दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की 80% लड़कियां अपना दुख रोकर निकाल लेती है, जबकि 27% लड़के ही ऐसा कर पाते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सो रहे होते हैं और सपने में होते हैं, तब हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में बातचीत चल रही होती है। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है, वेस्टिफोबिया एक ऐसा डर है जिसमें इंसान को कपड़े पहनने से डर लगता है, और यह डर ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, और हो सकता है शायद आपको भी बचपन में इस डर का सामना करना पड़ा हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो की भावना में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दोस्त बनाने का और अपने आसपास अपना इंप्रेशन जमाने का बेस्ट तरीका क्या है? दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार दोस्त बनाने का और लोगों को पसंद आने का सबसे अच्छा तरीका है 20-80 रूल का इस्तेमाल करना, जो कि बहुत ही फेमस और इफेक्टिव तरीका है। 20% बोलना और 80% सुनना, यानी आपको 80% ऑफ द टाइम लोगों की बातें सुननी चाहिए और केवल 20% ही समय बोलना चाहिए। जब हम किसी की बातें ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले पर हमारा प्रभाव पड़ता है, और अगर हम कम बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे तो सामने वाला आपको और ज़्यादा सुनना पसंद करेगा, आपसे प्रभावित होगा। इसके विपरीत लोग उन लोगों को बिल्कुल कम पसंद करते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं और सिर्फ अपनी ही बातें सुनाते हैं। फैक्ट नंबर 9, साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें ये क्वालिटीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, अकेले रहने वाले लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग अपने लिए नियम खुद ही बनाते हैं और उसका डिसिप्लिन से पालन करते हैं। नंबर 3, अकेले रहने वाले खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 4, ऐसे लोग हर किसी को खुश करने के लिए हाँ नहीं कहते और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अकेले रहने वाले लोग छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको पता है आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि 3 व्यक्ति हो। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको वियर्ड लगेगा बट असल में ऐसा ही है। साइकोलॉजी के अनुसार 3 तरह के व्यक्तित्व होते हैं आपके, आपकी 3 पर्सनैलिटीज़ होती हैं। पहला वो जो आप अपने बारे में सोचते हो, यानी आप अपने आप को किस अप्रोच, किस नज़रिए से देखते हो। दूसरे वो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, यानी आप कैसे इंसान हो, यानी लोगों का आपकी तरफ नज़रिया आपका दूसरा व्यक्तित्व है, आपकी दूसरी पर्सनैलिटी वही है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। और तीसरा वो जो आप रियलिटी में हो, जो आप वास्तव में हो। ये 3 प्रकार के आपकी पर्सनैलिटीज़ होती है जो अलग अलग नज़रिए और पर्सनैलिटीज़ से बनती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा दिमाग कभी भी सपनों में अज्ञात चेहरों को नहीं दिखाता, यानी कि अननोन चेहरों को नहीं दिखाता। आप खुद कभी सोच के देख सकते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी सपने में ऐसा इंसान देखा है जिसे असल ज़िंदगी में आपने पहले ना देखा हो। नहीं ना दोस्तों, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने सपनों में केवल उन्हीं इंसानों के चेहरे देख सकते हैं जिन्हें आप या तो जानते हो या जिन्हें आपने असल ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखा है, शायद टीवी में देखा हो या रियलिटी में देखा हो। है ना अमेजिंग फैक्ट? तो इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ एक ट्रिक भी है जिसका यूज़ करके आप अपना कोई भी काम किसी से भी करवा सकते हैं, उस काम के लिए उससे हाँ बुलवा सकते हो। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो उसे कोई बड़ा काम बोलो पहले, जिसे वो मना कर देगा। ऑब्वियसली बात है, डेफिनेटली मना कर देगा। फिर आप उसे वो काम देना जिसे आप रियल में करवाना चाहते हो। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो मान जाएगा। इसके अलावा आप उसके साथ एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी ट्रिक है वो। आप उसे डायरेक्ट काम के बारे में ना बोलकर पहले ये कहो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए या मुझे आपकी मदद चाहिए। बिकॉज़ ये कई साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में साबित हुआ है कि इस तरह की ट्रिक्स ह्यूमन ब्रेन पर अलग अलग इफेक्ट डालती है, जिससे काम होने के 40-50% चांसेस बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है हम जो भी शब्द बड़ी दृढ़ इच्छा यानी विल पावर के साथ या दृढ़ संकल्प के साथ किसी को बोलते हैं या अपने आप से बोलते हैं, तो उससे हमारा दिमाग उसी समय रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि जब आप सोचते हो कि अब मैं बॉडी बनाऊंगा, अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा और अपनी फिटनेस पर काम करूंगा, तो दोस्तों उसी समय आपके शरीर की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो शरीर को मजबूत बनाने में लग जाती है। हालांकि बिना एक्शन लिए, बिना हार्डवर्क किए आप अपनी बॉडी नहीं बना पाओगे, लेकिन हमारी कोशिकाएं, हमारी सेल्स उसके लिए उसी समय तैयार हो जाती है। बाकी तो आपके ऊपर है, आप एक्शन लेते हो या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारा शरीर उसी समय तैयार हो जाता है उस काम को करने के लिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है हम हर 10 साल में एक न्यू पर्सन बन जाते हैं, एक नए इंसान बन जाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार प्रत्येक 10 साल में इंसान की डिज़ायर्स यानी इच्छाएं और ज़रूरतें पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्तों हकीकत में ऐसा होता भी है। आप खुद अभी सोच के देखो, आज से 10 साल पहले आपकी क्या क्या इच्छाएं थी और ज़रूरतें थी, और प्रेजेंट टाइम में आपकी इच्छाएँ क्या है और ज़रूरतें क्या है। जाहिर है 10 साल पहले आप एक अलग तरह के इंसान थे और वर्तमान में आप उससे कई गुना अलग इंसान हो, और हो सकता है 10 साल बाद आप में आज से भी ज़्यादा चेंजेस आ जाएँ। अमेजिंग फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी बीमारी का नाम सुना है जिसमें इंसान को बिल्कुल भी सपने नहीं आते? जी हाँ दोस्तों, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यही वो साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सोते समय बिल्कुल भी सपनों का एहसास ही नहीं होता, और इसी बीमारी को हिंदी में विभाज्य व्यक्तित्व कहते हैं। ये बीमारी बहुत ही रेयर है, यानी इससे ग्रस्त इंसानों की संख्या दुनिया में बिल्कुल कम है। मतलब ये बीमारी लाखों में से किसी एक इंसान को ही होती है। फैक्ट नंबर 2, एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग महिलाएं जब किसी और से कुछ जानने के लिए क्वेश्चंस पूछती है तो वो उन क्वेश्चंस या सवालों को ज़्यादा पूछती है जिनके बारे में वह पहले से ही अवगत है, यानी जिनके बारे में वो सब पहले से ही जानती है। वो बस ये जानना चाहती है कि आप सच बोलते हो या झूठ, आपके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है या नहीं, यही जानने के लिए वो ऐसा करती है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा सब कुछ सही से सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सामने वाले से झूठ बोलना कतई पसंद नहीं करती। फैक्ट नंबर 1, फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन। ये एक अजीब प्रकार की साइकोलॉजिकल स्टेट है और ये बहुत सारे लोगों के साथ रियल लाइफ में होता है। इसके अंतर्गत होता यह है कि सपोज आप किसी को पसंद करते हो और उससे बात करना चाहते हो, बट जब सामने वाला आपको भाव नहीं देता या आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो अब वही इंसान आपको पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो इस सिचुएशन को ही फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर देते हो तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको खुशी मिली या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मज़ेदार लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।